अब्दुल मुत्तलिब की जिंदगी का दूसरा अहम वाकया अब्रहा का बैतुल्लाह पर हमला है। तारीख में इसको वाकया फील के नाम से याद किया जाता है। अब्रहा एक ईसाई सरदार था। शाह हबशा नज्जाशी की तरफ से यमन का हाकिम था। उसने देखा कि अहले अरब हज के लिए मक्का मुकर्रमा जाते हैं और खाना काबा का तवाफ करते हैं, तो उसने ईसाई मजहब के नाम पर यमन के शहर सनआ में एक आलीशान गिरजा बनवाया। अरब में इस गिरजा की खबर मशहूर हो गई। कबीला किनाना का एक आदमी वहां गया और गिरजा में गंदगी फैलाकर भाग आया। अब्रहा ने गुस्से में आकर कसम खाई कि काबे को ढाकर दम लेगा। चुनाचे वो एक लश्कर जर्रार लेकर मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में अरब के जिस कबीले ने भी मुजाहमत की, अब्रहा ने उसे तहे तेख कर डाला, यहां तक कि वो मक्का मुअज्जमा के करीब पहुंच गया। वहां के लोगों को अपने इरादे से खबरदार करने के लिए उसने अहले मक्का के जानवर पकड़ लिए। इन जानवरों में अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट भी थे। अब्दुल मुत्तलिब को अब्रहा की चढ़ाई की खबर मिली तो वो खाना काबा की दीवारों से लिपट गए और रो पड़े। अल्लाह से अपने घर की हिफाजत की दुआ की। कुरैश के चंद सरदारों को लेकर अब्रहा से मिलने के लिए गए और उससे अपने ऊंटों की वापसी का मुतालबा किया। अब्रहा उनकी बात सुनकर हैरान हुआ और बोला, तुमने अपने ऊंटों की वापसी की तो बात की, काबे के मुतालिक एक लफ्ज भी नहीं कहा। मैं तो यहाँ काबे को ढाने के लिए आया हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, ऊंट मेरी मिल्कियत है, इसलिए उनकी रिहाई के लिए चला आया। काबे का मालिक अल्लाह है जो अपने घर को बचाने की पूरी ताकत रखता है। अब्रहा ने इन ऊंटों की वापसी का हुक्म दे दिया। ये अपने ऊंट लेकर मक्का मुअज्जमा वापस आ गए। 60-70 हजार का लश्कर था और उसमें 9 या 13 हाथी थे। इस लश्कर ने आखिर मक्के पर चढ़ाई की। लश्कर मक्के के नजदीक पहुंचा तो महमूद नामी हाथी ने मक्के में दाखिल होने से इनकार कर दिया और वहीं बैठ गया। ऐसे में अचानक बाहरे कुलजुम की तरफ से परिंदों का टिड्डी दल नजर आया। उनके पंजों और चूंचों में कंकरियां थीं। जिन सिपाहियों पर वो कंकरियां पड़ती उनके आजा कटना शुरू हो जाते। इन कंकरियों के गिरने से अब्रहा की फौज और हाथियों का जो हश्र हुआ वो बिला शुबा तारीख आलम का एक निहायत हैरतनाक बाब है। खुद अब्रहा मुश्किल से गिरता पड़ता सनआ तक पहुंचा और निहायत दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार होकर यमन में मरा। अरबों के हां उस साल को आमुल फील कहते हैं। एक मुद्दत तक यही तकवीमी साल शुमार होता रहा। कुरान करीम में ये वाकया सूरह फील में बयान हुआ। क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया? क्या उसने उनकी तदबीर को अकारत नहीं कर दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए जो उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे, फिर उनका ये हाल कर दिया जैसे जानवरों का खाया हुआ भूसा।